हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो जितने भी स्टूडेंट कॉमेड के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते थे, बेसिकली कॉमेड के कॉलेजेस में पढ़ने का सपना था, काफ़ी टाइम से परेशान थे क्योंकि अभी तक जो है कुछ भी कॉमेड के तरफ से नहीं आया था। 5th of July लास्ट टाइम था जबकि रिजल्ट आया था, उसके बाद से जाके ना तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ना ही हमारा फर्स्ट राउंड या फिर राउंड का स्केड्यूल के रिगार्डिंग और ना ही हमारा एडमिशन ब्राउचर कुछ भी रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली जाकर के कहते हैं ना कि देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, तो वही वाली बात है, तीनों चीज़ के बारे में एक साथ ही अपडेट दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अभी की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो है वो राउंड का स्केड्यूल क्या है, कब से लेकर कब तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग कब होगा, सारी बातें कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो आप लोगों का आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है ना, 1-2 घंटे में ही आ जाएगा। उसमें मैं पूरी एडमिशन ब्राउजर समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, ठीक है ना। तो लंबी वीडियो होगा, छोटी वीडियो होगा, 5-6 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वहां पे सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना, सारी बातें, ठीक है। सो मेक श्योर देख लेना उसे। अभी के लिए एक आप लोगों को जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के पूरे काउंसलिंग की जर्नी में एक लौता चैनल होगा जो कि आप लोगों को पल पल की खबर देता रहेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को बहुत सारे चैनल देखने को मिलेगा लेकिन हर एक चैनल क्या करेंगे, 2-4 वीडियो डालेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन ये चैनल ऐसा नहीं है, लास्ट भी आप लोगों के सीनियर का हम लोगों ने एडमिशन करवाया था, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में पूरे की जर्नी में हम लोग हेल्प करते हैं। अभी नहीं, बाद जाके थोड़े टाइम बाद जाके आप लोग जब सर्च मारोगे यूट्यूब पर कॉमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी वीडियो, यही चैनल आप लोगों को बार बार रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। प्यारा से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अगर करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो भी हमारा PDF है, स्केड्यूल है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, सारी अपडेट सारी PDF वहां पे हम लोग सबसे पहले डालते रहते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस पर हो जाना। तो सबसे पहले बात तो ये आप लोगों को बच्चों की, आप लोगों को सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का फाइनल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ठीक है, जो कि आप लोगों का 19th of July यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है शाम के 5 बजे से, ठीक है बच्चों। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन करने का है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है वो आप लोगों का 12th of August को है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाके वहां पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, अभी शॉर्ट में बात कर लेते हैं, वही क्लास 9 के मार्कशीट, 12 के मार्कशीट, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी जो है हम लोग जो है डिटेल में एनालिसिस उस वीडियो में ही करेंगे, ठीक है, एडमिशन ब्राउचर के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का पहला काम होता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने का, रजिस्ट्रेशन करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होने के बाद ही आप लोग आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हो। अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है किसी भी रीजन की वजह से तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, ठीक है बच्चों। डॉक्यूमेंट आप लोग का वेरीफाई क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उस केसेस में, ठीक है। सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ध्यान से, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो आप लोग का 18th of August है, ठीक है। फिर राउंड वन का आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग चॉइस फिलिंग सही से करते हो तो आप लोगों का कम रैंक के बावजूद आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है, ब्रांच मिल जाता है। अगर आप लोग चॉइस फिलिंग सही ऑर्डर में नहीं करते हो, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो उस केस में आप लोगों को काफी दिक्कत हो जाती है, अच्छे रैंक होने के बावजूद जो है वो अच्छे कॉलेज ब्रांच नहीं मिल पाता, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए भी आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल चीज की गई है, वो है आप लोगों का पर्सनल काउंसलर सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि लास्ट ईयर भी आप लोगों के सीनियर का भी हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन करवाया है, लास्ट ईयर जो है वो 300+ स्टूडेंट का हम लोगों ने पर्सनल काउंसलर सपोर्ट से एडमिशन करवाया था, जितने भी टॉप टॉप कॉलेज हमारे MSRMAIA RVC सभी में करवाए थे, ठीक है। यहाँ ये होता है बच्चों की, देखो वीडियो आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे अलग अलग बच्चे का अलग अलग रैंक है, अलग अलग ड्रीम है, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, किसी को अच्छा ब्रांच चाहिए, है ना। क्या सारे डाउट्स वीडियो के थ्रू क्लियर हो सकता है, आंसर इज नो, है ना। तो उसके लिए पर्सनल काउंसलर सपोर्ट है जो कि आप लोगों का बहुत मिनिमम प्राइस है उसका, 1000 से भी कम रुपीज होगा। बाय करने के बाद इंस्टेंट कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग के रैंक के बेसिस पे जो परफेक्ट चॉइस फिलिंग होती है, सारी चीजें हमारी टीम कर रही होती है। एक बार लेने के बाद अभी से लेकर पूरे काउंसलिंग की जर्नी में जो भी चीज करना होगा सारी चीज हम लोग कर रहे होते हैं। कब आप लोग को रिपोर्टिंग करनी है, कब क्या करना है, वो भी हमारी टीम आप लोग को बताते रहता है, ठीक है। एक बार बाय करने के बाद आप सभी का सारा समस्या खत्म हो जाता है, और सोचो पूरे काउंसलिंग के जरिए में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज, ठीक है, उससे भी कम, कितने भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। कि डेप्थ नॉलेज हमारे पास क्यों, क्योंकि हम लोग 3-4 साल से आप लोगों के सीनियर के एडमिशन करवा रहे हैं। जब आप लोग जाओगे कॉलेज में तो आप लोग पूछना कि तिरुपति अकेडमी को जानते हो, सब बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो आप लोग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से बाय कर लेना, क्योंकि आगे जो है इसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं फिर बाद में वो लोग इसी के लिए ज्यादा प्राइस पे करें, है ना। और एक ना एक टाइम आप लोगे, ठीक है, अभी परेशान नहीं हो लेकिन बाद में परेशान हो जाओगे तब आप लोगे, ये चीज है, तो अभी ले लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का जो आप लोग का वो 22nd of August को स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में 8 AM से, और चलेगा आप लोग का 24th of August के शाम के 5 बजे तक। ये होने के बाद बच्चों आप लोगों का मॉक अलॉटमेंट होता है। मॉक अलॉटमेंट का मतलब ये कि लास्ट ईयर के बेसिस पे आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है आप लोग के रैंक के बेसिस पे, ठीक है। बाकी मॉक अलॉटमेंट जो है 100% श्योर नहीं होता है, ये नहीं कि जो सीट आप लोग को मॉक अलॉटमेंट में मिला है
वही आप लोगों को डाउनलोड में मिलेगा, कंफर्म नहीं है ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है मॉक इलेक्टिव में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी नहीं है, तो काफी कम बच्चे भी करते हैं और डाउनलोड में ज्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं ठीक है। बट ये भी है कि अगर आप लोगों को मॉक इलेक्टिव में कोई सीट मिला है सो दी चांसेस आर मोर कि सेकंड या थर्ड राउंड में आप लोगों को वो सीट जरूर मिल जाएगा ठीक है। सो मॉक इलेक्टिव का जो है वो सीट एलोकेशन जो है आप लोगों का वो 26 अगस्त को मॉर्निंग में 11 AM पे होगा। उसके बाद अगर आप लोग राउंड वन के लिए अगर चॉइस में कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसका जो डेट देगा 26 अगस्त के मॉर्निंग में 11 AM से लेकर 28 अगस्त के इवनिंग में 8 PM तक ठीक है ना। फिर राउंड वन के आप लोग का सीट अलॉटमेंट आएगा वो है आप लोग 30 अगस्त के मॉर्निंग में 11 AM में ठीक है। फिर आप लोग डिसीजन मेकिंग यानी कि आप लोगों को सीट को फ्रीज करना है फ्लोट करना है सारी बातें भी उसी में हम लोग करेंगे, वो है आप लोगों का जो है वो 30 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के ठीक है। 30 अगस्त के 11 AM में स्टार्ट हो जाएगा और 2 सितंबर के आफ्टरनून में 1 PM तक चलेगा ठीक है। फिर अगर आप लोग सीट को फ्रीज करते हो तो आप लोग को रिपोर्टिंग करनी होती है और बाकी टोटल फी पे करना होता है, उसका जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चल रहा होगा ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी सरेंडर फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड उसका जो है आप लोगों का 6 सितंबर तक चल रहा होगा। सो होपफुली साइड डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब के बटन प्रेस कर लेना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ठीक है। कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना ताकि सारी अपडेट वहाँ पे मिल सके ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उसको भी पता चल सके। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।